हमारी वीडियो देखने वालों को सभी को हमारी नमस्ते। देखिए इसमें हमने 40 फंदे लिए हैं 40, और इसमें हम आपको पेंसिल का डिज़ाइन बना के दिखाएंगे। 30 फंदों का डिज़ाइन है, 5-5 फंदे इधर की साइड में और 5 इधर की साइड में लिए हैं। देखिए चलिए शुरू करते हैं। इसमें आप जो कलर आपको पसंद लगे वो लगा सकते हैं, क्योंकि बच्चों के ही लिए है ये डिज़ाइन। आप जर्सी या स्वेटर या अलग अलग जो पल्ले बनाते हैं, हम बीच में जो बटन लगाने वाली जर्सी बनाते हैं उसमें भी दोनों पल्लों पर बना सकते हैं इस डिज़ाइन को, और टॉप बनाते हैं उसमें भी बना सकते हैं बीच में। देखिए 5 फंदे हमने 1 2 3 4 5 फंदे हमने लाल रंग के ले लिए, और फिर 10 फंदे हम, ये हमारा ऑरेंज कलर है, 1 2 10 फंदे इसके बनाएंगे। 4 देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फिर देखिए फिर 10 फंदे पिंक कलर के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 इस धागे को इस तरह ले लें। देखिए फिर 10 फंदे हरे रंग के, 1 2 3 देखिए जो हमारा रेड कलर का धागा है इस तरह ले लें, 4 5 6 7 8 9 10 फिर 5 फंदे। देखिए 5 फंदे हमने बराबर में लिए हैं, आपको जितने चाहिए उतने दोनों तरफ फंदे ले सकते हैं डिजाइन के फंदे बीच में गिन के। 5 फंदे लाल रंग के, 1 2 3 4 और एक ये 5। देखिए इस तरह हमारी पहली सिलाई कंप्लीट होगी। देखिए ये दूसरी सिलाई है, 2 रो इस फंदे को स्लिप करना है, फिर ये 1 2 3 4 और ये 5। 5 फंदे हमने लाल बना लिए, और फिर इस देखिए इस धागे को इस तरह लेना है, बस इसमें यही है और कुछ नहीं। और फिर इसे यहाँ से नीचे से लेके ये 10 फंदे हरे बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 इस धागे को इस तरह लेते चले जाएं, 8 9 10 देखिए ये 10 फंदे हरे हो गए हमारे, और इस धागे को फिर इस तरह ले लें, फिर इसे यहाँ से पिंक कलर के 10 फंदे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 देखिए इस धागे को भी जिस तरह हमने हरे को बनाया इसे भी इसी तरह लेना है। इन इसे भी यहाँ पर गांठ बंद करते हैं आप, और इन धागों को इस तरह, अब ये हरे ऑरेंज कलर का धागा इसके 10 फंदे बनाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फिर 5 फंदे इसे इस तरह लें, इसके ऊपर से बंद हो जाएगा, फिर 5 फंदे लाल रंग के, 1 2 3 4 और एक 5। इस तरह ये हमारी टू सिलाई कंप्लीट होगी। और देखिए ये हमारे यहाँ पर देखिए धागा, ये बीच में बिल्कुल गैप नहीं आएगा इस तरह। और ये तीसरी सिलाई है, इसी तरह बनानी है सीधे सीधे जिस कलर के जो धागे हैं। ये 5 फंदे हम लाल बना लेंगे शुरू में, 1 2 3 4 और एक 5। देखिए इस धागे को इस तरह लेना है, इसमें धागे का ही ध्यान रखना है। फिर 10 फंदे ऑरेंज, 1 2 3 4 5
सिक्स सेवन एट नाइन नाइन टेन। अब 10 फंदे पिंक कलर के, धागा ये इस तरह लेना है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। देखिए फिर अपना हरा धागा, इस धागे को भी हम उधर ले जाएं इस तरह, फिर 10 फंदे हरे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। पांच फंदे लाल रंग के, वन टू थ्री फोर फाइव। देखिए फिर यहाँ पर ये चौथी सिलाई है, फोर रो, ये पांच फंदे लाल बना लेंगे हम, वन टू थ्री फोर फाइव। फिर देखिए इसे 10 फंदे हरे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। इस धागे को इस तरह ले लें, इसे भी इसके साथ लिए, और फिर पिंक कलर से देखिए इस बस इसमें धागे का ध्यान रखना है इसका, और इसमें आपको हर धागे को इसी तरह लेना है। आगे आपको बना के दिखा रहे हैं इस तरह, क्योंकि सिंपल उल्टा उल्टा ही बनाना है, और ये इस तरह चार सिलाई कंप्लीट हो जाएंगे। देखिए पांचवी सिलाई है, फाइव रो, इसमें पांच फंदे इसी तरह सीधे सीधे लाल रंग के बनाने, वन टू थ्री। देखिए हमेशा फंदे भी इसी तरह रहेंगे और सीधा सीधा बनाना है, बस धागे का ध्यान रखना है। हम थोड़ा थोड़ा सी सिलाई दिखाते रहेंगे इस तरह, इससे काउंटिंग भी होती रहेगी कि हमारी कितनी सिलाई पूरी बनी है। जब बस इसका ही ध्यान रखना है, इस धागे को लें तो इस तरह लें, इसके इस तरह यहाँ पर इस तरह बंद हो जाएगा बिल्कुल खुला, और ये पांच सिलाई इसी तरह बना के हम आपको कंप्लीट करके दिखा रहे हैं। देखिए छठी सिलाई है, सिक्स रो, इसमें भी पांच फंदे लाल, वन टू थ्री फोर फाइव, 10 फंदे हरे। देखिए जो जिस कलर का धागा है, जिस कलर के फंदे हैं उसी कलर से बनाने हैं, बस यहाँ पर ये बीच बीच में इस फंदे का ध्यान रखना है। ये छठी सिलाई है, हम आपको इसी तरह थोड़ा थोड़ा बना के दिखाते चले जाएंगे। ये 10 फंदे हमारे हरे, ग्रीन हरे बन गए। फिर अब पिंक कलर, इस धागे को भी अपने साथ ले लिया, ये धागे बंद कर दिए हमने, और इसे आगे बना के दिखा रहे हैं। ये छठी सिलाई देखिए, सातवीं सिलाई है, सेवन टू, ये पांच फंदे हम लाल बना लेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव। देखिए और फिर ये ऑरेंज कलर के फंदे, इस तरह धागा लेना है, इस तरह से इन्हें 10 फंदे हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। फिर यहाँ से इसे धागे को इस तरह ले लें, फिर पिंक कलर का धागा लेने, इसी तरह आप इसे बना के दिखा देंगे। ये सातवीं सिलाई है, सेवन रो, देखिए आठवीं सिलाई है, एट रो, इसमें पांच फंदे लाल बनाएंगे, वन टू थ्री फोर फाइव। फिर 10 फंदे हरे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और ये टेन। देखिए फिर आगे हम इसे बना के दिखा रहे हैं आपको, धागे इस तरह लेने, और ये इस तरह आठ सिलाई कंप्लीट हो जाएगी। देखिए आठ सिलाई कंप्लीट होगी, और ये नाइन टू है, ये नाइन टू में सुबह पांच फंदे लाल, वन टू थ्री फोर फाइव इस
तरह धागा लेते चले जाए और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 इसे आगे बनाकर अपन आपको इसी तरह दिखा रहे हैं और ये इस तरह 9 सिलाई कंप्लीट हो जाएगी। ये 10वीं सिलाई है, 10 रो, इसमें 5 फंदे लाल, 1 2 3 4 5, 10 फंदे हरे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस फंदे को इस तरह ले लें, धागे को आगे बना के दिखा रहे हैं, इस तरह ही बनेगी। ये 10वीं सिलाई है, ये 11वीं सिलाई है, 1 2 3 4 5, 10 फंदे ऑरेंज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। देखिए आगे इसी तरह बना के दिखा रहे हैं और इस तरह ये 11 सिलाई बनेगी। ये 12 सिलाई है, देखिए ये पीछे इस तरह डिजाइन बनता चला जाएगा इनका, बनानी इसी तरह है लेकिन हम थोड़ा थोड़ा इसलिए दिखा रहे हैं जिससे इनकी काउंटिंग होती चली जाए सिलाई होगी। ये मतलब 12 हुए हैं, बनाना से हर बार की तरह ही है, जिस कलर के जो फंदे हैं उन्हीं कलर से बनाने, बस थोड़ा धागे का ध्यान रखना है। इस तरह से ही 5 फंदे हमारे लाल होंगे और 10 फंदे हरे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इस तरह फिर पिंक कलर के आ जाते हैं और इन दोनों भागों को इस तरह बंद कर देंगे। देखिए इसे आगे बना के दिखा रहे हैं हम और ये 12 हो। देखिए 13 सिलाई है, 12 सिलाई कंप्लीट होगी। ये 5 फंदे लाल बना लेंगे हम, 1 2 3 4 5, 10 फंदे ऑरेंज कलर के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 13 सिलाई हम इसी तरह आपको बना के दिखा देंगे। 13 सिलाई है, आगे बना के दिखा रहे हैं। ये 24 सिलाई है, ये 5 फंदे लाल बना लेंगे, 1 2 3 4 5, 10 फंदे हरे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। आगे बना के दिखा रहे हैं आपको हम, धागों को इस तरह लें उसको बंद करके और इस तरह 14 सिलाई बना लेंगे कंप्लीट हो जाए। ये 15वीं सिलाई है, देखिए इसे भी इस तरह बनाना है, 1 2 3 4 5, 5 फंदे लाल, 10 फंदे और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए इसे आगे बना के दिखा रहे हैं आपको और इस तरह 15 सिलाई कंप्लीट हो जाएंगे। ये 16वीं सिलाई है, ये 5 फंदे लाल बना लेंगे, 1 2 3 4 5, 10 फंदे हरे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, फिर आगे 10 फंदे पिंक कलर के, इस तरह रफू बना लें, इसे बना के दिखा रहे हैं, इस तरह 16 सिलाई कंप्लीट। ये 17वीं सिलाई है, इसमें 5 फंदे लाल रंग के बने, 2, 3, 4 और एक 5, फिर 10 फंदे और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस तरह 17 सिलाई आपको बना के दिखा रहे हैं। देखिए इस धागे को इस तरह लें ऊपर से और आगे बना के दिखाएंगे, इस तरह 17 सिलाई कंप्लीट हो जाएंगी। ये 18वीं सिलाई है, देखिए इसमें शुरू में 5 फंदे लाल, 1, 2, 3, 4, 5, 10 फंदे हरे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, फिर आगे पिंक कलर के धागे किस तरह लेने सब दिया है और ये इस तरह 18 सिलाई कंप्लीट हो जाएंगे। ये 19वीं सिलाई है, देखिए 5 फंदे लाल रंग के, 1, 2, 3, 4, 5, फिर 10 फंदे ऑरेंज, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। देखिए इसी तरह इसे पूरी को कंप्लीट करना है और इस तरह 19 सिलाई कंप्लीट हो जाएंगी। इसे बना के दिखाते हैं आगे। ये 20वीं सिलाई है, बैक साइड से देखिए इसमें 5 फंदे, 1 लाल, 2, 3, 4 और 5, 10 फंदे हरे। ये 20वीं मतलब 20 रो है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और फिर आगे कुछ तरह ले लें और आगे बना के दिखा रहे हैं और इस तरह 20 सिलाई कंप्लीट। देखिए 21वीं सिलाई है, इसमें 5 फंदे, 1, 2, 3, 4, 5, फिर 10 फंदे ऑरेंज, देखिए धागा हमें से इसी तरह लेना है इसमें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इसी तरह हमें आपको 21 सिलाई पूरी करके आगे बना के दिखा रहे हैं। देखिए पीछे से बैक साइड से 22वीं सिलाई है, 22, इसमें शुरू में देखिए 5 फंदे लाल, 1, 2, 3, 4, 5, फिर 10 फंदे हरे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, देखिए फिर इस धागे को भी लेने, इसी तरह 22 सिलाई हम कंप्लीट करके आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये 23वीं सिलाई है, 23, इसमें 5 फंदे जो है हमारे लाल रंग के, इन्हें लाल बना लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 5, फिर 10 फंदे ऑरेंज, 1, 2, 23वीं सिलाई है ये और इसी तरह इसे बना के हम आपको और आगे दिखा रहे हैं। ये हमने 10 फंदे 10 फंदे इस तरह बना लिए, इस 23वीं सिलाई को आगे बना के दिखा रहे हैं। देखिए 24वीं सिलाई है और ये 5 फंदे लाल बनाएंगे, 1, 2, 3, 4 और 5, देखिए 5 फंदे और अब जो यहाँ पर 10 फंदे हरे, इसी तरह हम इसे
24 सिलाई को पूरा कर देंगे 44 को। देखिए दोनों धागों को ले लें और फिर इस पिंक कलर से फिर 10 फंदे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फिर ऑरेंज कलर के देखिए फिर इन धागों को इस तरह करें और फिर इससे देखिए 10 फंदे हैं ऑरेंज कलर के भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फिर 5 फंदे लाल रंग के 1 2 3 4 5 देखिए 24 सिलाई इस तरह पूरी होगी। आपको छोटे स्वेटर में बनाना है साल भर या 2 साल 3 साल के बच्चे के तो इतनी 24 सिलाई में आप इसे बना सकते हैं। अगर इससे और ज़्यादा बड़े बच्चों के बनाना है तो इसमें 2 या 4 सिलाई और भी बना सकते हैं। अब हम यहाँ से ये 25वीं सिलाई है देखिए 25वीं सिलाई है 25। अब हम ये जो कलर है हमारे 3 इन्हें बंद कर देंगे और वाइट कलर लगाएंगे। पहले हम यहाँ पर ये 6 फंदे लाल रंग के बनाएंगे 1 2 3 4 5 और एक फंदा ये 6 6 फंदे लाल हो गए हमारे और देखिए 8 फंदे वाइट कलर के वाइट कलर लगाएंगे। अब यहाँ पर हम 1 देखिए आप अच्छी तरह इसमें गांठ मारें सब धागों में। हम तो ये डिज़ाइन बाद में खोल देते हैं आप लोगों को दिखाने के बाद 8 फंदे बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 और एक ये 8 8 फंदे वाइट कलर के फिर यहाँ पर 2 फंदे लाल रंग के 1 और 2 फिर देखिए 8 फंदे फिर से वाइट कलर के थोड़ा 1 2 3 4 5 6 7 8 फिर 2 फंदे लाल रंग के 1 2 फिर 8 फंदे वाइट कलर के 1 2 3 4 5 6 7 8 फिर 6 फंदे लाल रंग के 1 2 3 4 5 6 देखिए इस तरह 25 सिलाई कंप्लीट हुई हमारी। देखिए मैं आपको बता दूँ ये हमने 5-5 फंदे मतलब इस तरह ले रखे हैं। हम जिस तरह से स्वेटर बनाएंगे इस तरह कितने फंदे ले लें डिज़ाइन ये इतना है 3 बनाए हमने आप 4 भी बना सकते हैं। इस तरह ये डिज़ाइन यहाँ से लेके यहाँ तक का ही है 30 फंदों का ये बराबर में फंदे ले रखे हैं और ये 25 सिलाई इस तरह कंप्लीट हुई। और ये 26वीं सिलाई है 7 फंदे लाल रंग के 26 रो है 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फिर यहाँ पर 6 फंदे वाइट कलर के 1 2 3 4 5 और ये 6 फिर 4 फंदे लाल रंग के 1 2 3 4 चार फंदे वाइट ओह सॉरी 6 फंदे 4 फंदे लाल के बाद वाइट कलर के 1 2 3 4 5 6 चार फंदे लाल रंग के 1 2 3 4 छह फंदे वाइट कलर के 1 2 3 4 5 6 यहाँ इधर 7 फंदे लाल रंग के 1 2 3 4 5
6 और ये 7, इस तरह 26 सिलाई कंप्लीट हुई 26। ये 27 सिलाई है, इसमें 8 फंदे लाल, 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8, 4 फंदे वाइट, 1 2 3 4, फिर 6 फंदे लाल, 1 2 3 4 5 6, 4 फंदे वाइट, 1 2 3 4, फिर 6 फंदे लाल, 1 2 3 4 5 6, 4 फंदे वाइट, 1 2 3 4, 8 फंदे लाल, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह 27 सिलाई कंप्लीट हुई। ये 28वीं सिलाई है, देखिए इसमें 9 फंदे लाल रंग के, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9, 2 फंदे वाइट कलर के, 1 2, फिर यहाँ पर 8 फंदे लाल रंग के, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 फंदे वाइट कलर के, 1 2, फिर 8 फंदे लाल रंग के, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 फंदे वाइट कलर के, 1 2, बाद में 9 फंदे लाल रंग के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह 28 सिलाई कंप्लीट हुई। ये 29वीं सिलाई है, 29, इसमें 9 फंदे लाल बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखिए 9 फंदे लाल बना लिए हमने ये बराबर के, और यहाँ पर 2 फंदे ऑरेंज बनाएंगे, 1 2, बीच में 8 फंदे हैं लाल, इन्हें 8 लाल बना देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 फंदे पिंक कलर के, 1 2, 8 फंदे लाल रंग के, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 फंदे हरे, 1 2, देखिए बाद में 9 फंदे हैं ये लाली बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ये 29 सिलाई इस तरह कंप्लीट हुई। देखिए 30वीं सिलाई है, 30 रो, ये 9 फंदे लाल रंग के बना लिए हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 फंदे हरे,
वन और टू, फिर बीच में आठ फंदे हैं, इन्हें लाल बना लेंगे। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, टू फंदे पिंक कलर के, वन टू, आठ फंदे लाल रंग के, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, टू फंदे ऑरेंज कलर के, वन टू, नाइन फंदे बाकी लाल रंग के ने बना के दिखा रहे हैं आपको। देखिए इकतीसवीं सिलाई है 31। इसे पूरी को लाल रंग की आप जिस कलर से भी बनाएंगे, फर्स्ट कलर लेंगे उसे पूरी को से इस तरह बनाना है, जिसे हम आपको बना के दिखा देंगे। और ये हमारा इस तरह डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा, पूरी रो को इसी धागे से बना के दिखाना है। देखिए यहाँ तक हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। अगर आपको बड़ा डिज़ाइन बनाना हो तो इसी तरह 10 फंदे यहाँ इधर बना सकते हैं, ये हमने बराबर में लिए थे, सभी इसमें डिज़ाइन को बना सकते हैं आप इधर और इधर की साइड में जितने आपको फंदे चाहिए डिज़ाइन के मिलाकर उतने ले सकते हैं। इस तरह ये पेंसिल डिज़ाइन कंप्लीट हुआ। देखिए हमने आपको यहाँ तक पेंसिल का डिज़ाइन बना के दिखा दिया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा कि आपको हमारे पेंसिल का डिज़ाइन कैसा लगा। थैंक यू।